जिल्ला कार्यालयको आयोजनामा आज बिहान भानुभक्तको शालिगमा माल्य अर्पण गरेर श्रद्धा अर्पण गरेको छ। जिल्लाधिकारी आर बिमलाको मुख्य उपस्थितिमा शालिगमा खदा अर्पण गरिएको थियो। माल्य अर्पणपछि जिल्लाधिकारीले नेपाली भाषा अनि साहित्यको विकासमा भानुभक्तको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उनले बताएकी छिन्। र खदा अर्पणको कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै श्रीमान दीपक खेरकेटा जिल्ला सूचना अनि सांस्कृतिक विभागका अधिकारीलाई पनि खदा अर्पण गरिदिने अनुरोध टक्राउँदछु। र अन्य कोही यहाँ खदा अर्पण गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई म हार्दिक निमन्त्रणा टक्राउँदछु। र हामी समक्ष कालिम्पोङ एकका खण्ड विकास अधिकारी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँको बाहुलीबाट पनि यो खदा अर्पण गरिँदैछ। धन्यवाद। अधिकारीवर्ग, संस्थाका प्रतिनिधिवर्ग अनि कालिम्पोङवासीहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन साथै न्यानो स्वागत जनाउँदछौँ। विशेष विश्वभरि वर्तमानमा भइरहेको यो दुःखदायी महामारी कोरोना प्रकोपको घटनालाई मध्यनजर राख्दै यो वर्ष जन्म जयन्ती कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा मनाउन असमर्थ भयौँ र विशेष आजको यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै यस कार्यक्रमका प्रमुख श्रीमती आर बिमल हुन्। महाकवि भानुभक्त आचार्य जन्म जयन्ती हम लोग पालन करते हैं। आज जो जो अभी प्रेजेंट है सभी को मेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनका वर्नाकुलर लैंग्वेज, नेपाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो महत्वपूर्ण है। ये दिन में हम लोग सभी को इसका इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करके अपने अपने बच्चों को वर्नाकुलर लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस डेफिनेटली बोलना चाहिए। अभी कोविड का प्रोटोकॉल चलता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल मैंने ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे प्रोग्राम पालन करते हैं। यहाँ ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से नहीं चलेगा, ऑल ओवर द ईयर हम लोगों का अपना मातृभाषा डेवलपमेंट के लिए अपने अपने लेवल में जो कंट्रीब्यूशन है डेफिनेटली करना चाहिए। यही उनके लिए हम लोगों का प्रॉपर श्रद्धा होगा। नमस्कार, थैंक यू। श्रीमती आर बिमला जिलापाल को अनुमति लिँदै यो कार्यक्रमलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। महाकवि भानुभक्त आचार्य जन्म जयंती हम लोग पालन करते हैं। आज जो जो अभी प्रेजेंट है सभी को मेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनका वर्नाकुलर लैंग्वेज, नेपाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो महत्वपूर्ण है। ये दिन में हम लोग सभी को इसका इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करके अपने अपने बच्चों को वर्नाकुलर लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस डेफिनेटली बोलना चाहिए। अभी कोविड का प्रोटोकॉल चलता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल मैंने ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे प्रोग्राम पालन करते हैं। यहाँ ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से नहीं चलेगा, ऑल ओवर द ईयर हम लोगों का अपना मातृभाषा डेवलपमेंट के लिए अपने अपने लेवल में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है डेफिनेटली करना चाहिए। यही उनके लिए हम लोगों का प्रॉपर